caught up with that. और फाइनली मेरा फोन ठीक हो चुका है। और ये कैसा हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी हो तो जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ। वो इस तरीके से कि जब मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने के बाद मैं स्विच ऑन किया, थोड़ी देर के बाद मेरे फोन जैसा था वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें इसमें करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। लेकिन फोन अभी फाइनली ठीक हो चुका। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे ब्लॉग की एक प्रथा रहती है कि सबसे पहले हम इंट्रो से शुरुआत करते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट कुछ ऐसा था मेरा फोन ठीक होने का कि सबसे पहले मुझे वो बताना आपको सही लगा। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और राहुल और मोहित यहाँ पर आ चुके हैं तकरीबन 4 से 5 दिन बाद। इधर स्माइल करना, ऐसे स्माइल करते रहो, ये ऐसा स्माइल। कितने दिन हुए अभी गांव से आके तुम लोग? 5 दिन हो गए है ना। अभी गांव में कैसा लगा नवेझरी में? अच्छा। क्या क्या खेले वहाँ पर? क्रिकेट खेले। हाँ। और इसने कुछ तो भी कर डाला था, इसके हाथ के बाजू में यहाँ पर बॉल लग गया था तो पूरे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो गया था। अभी थोड़ा ठीक हो गया है ना। बदमाशी करके आए है ये लोग है ना गाँव से, लेकिन अभी घर पे ही है। ठीक है, तो अभी गोंदिया के अच्छा लग रहा है। अभी लोग के हमारे लोग तुम लोगों को मिस कर रहे थे, कहाँ गए हमारे मोहित और राहुल लोग पूछ रहे थे सब लोग, तो अभी दिख गए उन लोगों को। ठीक है, सभी लोगों को हाय बोल दो। हाय। अरे कैमरे में हट डाल। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रमोशन हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ, तो ये क्या मान रहा है देखते। और वैक्सीनेशन आप अगर कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर आप वैक्सीनेशन करने का भी फिलहाल में नहीं सोच पा रहे तो वैक्सीनेशन करने से पहले या जो भी चीजें आपको घर में जरूरी है वो क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, जिसके कारण एक कॉन्फिडेंट आपको फील होगा। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट से जो कि बेसिक हमको घर पर अगर रहते हैं तो कॉन्फिडेंट आपको फील होता है कि अगर कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो आप उसको घर पे ही उसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास में है जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे आप आपके पास में कितना ऑक्सीजन आपके बॉडी में और कितना पल्सेस है इसको मेजर कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं थोड़ी देर में। ये थर्मामीटर है जिसका आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये स्टीम वेपराइजर है, अगर आपको खांसी या बलगम जैसा अगर फील होता है तो इसका जो इसका यहाँ पर प्लग दिया हुआ है भाप लेकर इसको भी आप रिलीज कर सकते हैं। ये है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर, तो ये के भी क्या यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं मेजर करके दिखाता हूँ कि मेरा पल्स और ऑक्सीजन कितना है बॉडी में, सैचुरेटेड ऑक्सीजन। देखिए तो यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा 91 पल्सेस है और 97 ऑक्सीजन है। तो ये एकदम बेसिक है नॉर्मल। थर्मामीटर तो आप लोग जानते ही है, स्टीम का भी आपको पता ही है। और ये क्या है, ये थोड़ा आपके लिए शायद नया होगा। तो ये है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर। तो अभी कैसा यूज करते, इसको यूज करते, ये यहाँ से हम हवा को अंदर खींचेंगे और ये तीनों बॉल्स ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए 1 2 3। और जैसा कि आपने देखा कि तीनों बॉल्स एक साथ अंदर ऊपर जा रहे हैं, और जो कोरोना के पेशेंट्स स्पेशली होते हैं तो ये जो बॉल्स हैं उनके आधे ही लेवल तक के जाते हैं। तो रेड बॉल, येलो और ग्रीन। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चुटकी बजाकर कैसे रेडी हुआ जाता है। तो 1 2 3 कैसा लगा? तो ऑल राइट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। काफी दिन बाद इस तरीके से कई सेलिब्रेशन करे, कहीं बाहर निकलना हो रहा है, बहुत हिम्मत करके निकल रहे हैं। और हमारे द थिंग इस चैनल को 1 साल पूरा हो चुका है, इसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और एक सेलिब्रेशन वो क्या है हम चल कर पता करेंगे, तो चलिए चलते हैं। चौकी लगी हुई है, अपनी एवेंजर यहाँ पर खड़ी हुई है। कमेंट बॉक्स में बताइए यार इसका क्या नाम रखे अपन। मैं तो सोच रहा हूँ एरावत रखूँ, आप बताइए कैसा रहेगा। तब तक के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स देखिए आप। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे द थिंक और हमारे जो चीफ एडिटर है द थिंक के संदीप आनंद, इनका बर्थडे सेलिब्रेशन करके कट करने वाले हैं।
तो अब सेलिब्रेशन में बने रहे आखिरी तक के, देखते आज क्या क्या होता है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अनिल सर भूल गया तू, आज हमारे डॉक्टर साहब के एनिवर्सरी भी है, टाइम थोड़ा ही समाई थोड़ा सा। तो आज हम जो तीन सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें से एक सेलिब्रेशन ये भी है कि आज हमारे अनिल सर जो हमारे डॉक्टर साहब है इनका एनिवर्सरी भी है, एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी। कौन से नंबर वाली? दो साल हो चुके इनकी शादी को, मंगल कामना। फोटो खींचो, फोटो खींची जाए। तो आज के सेलिब्रेशन पे हमारे द किंग के चीफ एडिटर संदीप आनंद हमारे साथ में है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आज का पूरा दिन कैसा रहा, उनका कौन कौन सी चीजें, बहुत सारे लोगों ने उनको विश किया होगा, तो वो क्या बोलना चाहते अपने हमारे द किंग के एक साल पूरे होने पर और अपने आज बर्थडे पर। तो आज जिनने भी मेरे जन्मदिन पे मुझे बधाइयाँ दी, स्नेह दिया, प्यार दिया, उन सभी को मैं और द थिंग के पूरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही यानी प्यार बनाए रखें, धन्यवाद। द थिंग हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब भी कभी सब्सक्राइब करिए और इस तरीके से हमें मजबूत करते रहिए, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो करोड़ों साल बाद विक्की भी बर्थडे सेलिब्रेशन में आया है, तो अभी कोरोना के समय में कैसा लग रहा है लॉकडाउन घर पे? अपन तो हमारा जो मोस्टली जो काम है वो फील्ड कर रहता है, लेकिन हम लोग अभी घर पे तो कैसे लग रहा है? हमारा तो पूरा काम बंद है। इनका पूरा काम बंद है, एक्चुअली ट्रेवल्स वाला इनका बिजनेस है विक्की का, इसका मैं आपको नंबर दे दूंगा, अगर आप गोंदिया से हैं तो जरूर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होते होते अभी बज रहे हैं रात के 12:30, और मैं भाव को एक बात बताना चाहूंगा कि आज के हमने पूरा जो हमारा द थिंग का और साथ में हमारे संदीप आनंद जो द थिंग के चीफ एडिटर है, इनका बर्थडे सेलिब्रेशन हमने किया, आज का पूरा व्लॉग मोस्टली उनके लिए था। और भाव को मैं बताना चाहूंगा कि जो 15 तारीख आज की है, 15 मई हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके और मेरे बर्थडे में भी एक सिमिलरिटी है कि इनका भी 15 तारीख को बर्थडे आता है और मेरा भी 15 तारीख को बर्थडे आता है, लेकिन मेरा 15 दिसंबर को आता है। और हमारा द थिंग को जो एक साल पूरा हो चुका है, उसके लिए मैं आपको ताई से ये बात जानना चाहूँगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके के आइडियोलॉजिकल चैनल मोनेटाइज करने के लिए काफ़ी सारे साल लग जाते हैं, लेकिन हमने बहुत कम समय के अंदर में ये अचीवमेंट किया है। तो उनका एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या बताना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारी पूरी फैमिली को। साथ जय भीम और द थिंग को जैसे एक साल हुआ, तो इसमें एक्सपीरियंस में मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा तो एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी मेहनत मेरे साथ साथ संदीप आनंद इन्होंने ज़्यादा मेहनत की है जी। मैंने कैमरा फेस किया, लेकिन बाकी सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें संदीप आनंद इन्होंने किए, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों ने खूब सराहा, खूब प्यार दिया। फुले शाहू बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर जब हम काम करते हैं तो हमारा समाज जो है वो हमें बहुत मान सम्मान देता है, और वो दिया है, और इससे जो है द थिंग को भी ताकत मिली, हमें भी ताकत मिली, और आने वाले समय में मिस्टरी पराग को भी ये ताकत मिलेगी। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, तो भी ताई ने कहा है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक प्राउड वाला मोमेंट द थिंग को हमारे लिए आया था
कि अंबेडकर पीपल वॉइस ने एक ट्वीट किया था जो कि एक अच्छा खासा चैनल बहुजन समाज के अंदर माना जाता है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए जितने भी बहुजन मीडिया जो है उसमें से द थिंग को ऐड किया था। ये भी हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात है, इसको भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए, वाले 5,000-10,000 ऐसे सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाते रहिए, आप सभी का सपोर्ट बनाए रखिए, तभी अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए देते रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में हम यहीं तक के खत्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।